अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बयान किया जाता है कि रूम के एक बहादुर जंगजू ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में मुसलमानों की एक जुमात को क़ैद कर लिया और शाही रूम से बयान किया कि मुसलमानों में एक शख्स नहायत कवी और मुहीब किस्म का इंसान है। ये सुनकर बादशाही रूम ने इस शख्स को देखने के लिए तलब किया। इस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक शाही रूम के सामने जंजीर लगी हुई, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले को बादशाह के सामने जग कर आना पड़ता था। जब इस मर्द मोमिन ने जंजीर देखी और मालूम हुआ कि इसके नीचे जग कर आगे जाना होगा, तो इसने बादशाह के पास सामने जाने से इनकार कर दिया। जब शाही रूम ने इस जंजीर को उठाने का हुक्म दिया ताकि वो शख्स इसके पास आ सके, चुनांचे जब वो शख्स बादशाह के पास गया तो बादशाह ने इस शख्स से कहा कि तुम हमारे दीन में दाखिल हो जाओ ताकि मैं अपनी अंगूठी तुमको पहनाकर रूम की सुल्तनत अदा कर दूँ। ये सुनकर इस मर्द मोमिन ने कहा कि दुनिया के आखिर कितना हिस्सा तेरे कब्जे में है। बादशाह कहने लगा, दुनिया का तकरीबन तिहाई या चौथाई हिस्सा मेरे कब्जे में है। इस मर्द मोमिन ने जवाब में दिया कि अगर पूरी दुनिया भी तेरे कब्जे में होती और तू एक दिन की अजान के औज मुझे देता तो मैं तब भी तेरी दावत कबूल न करता, जबकि तू अपनी सुल्तनत की औज मेरा ईमान खरीदना चाहता है। शाही रूम ने ये सुनकर दरियाफ्त किया कि अजान क्या चीज़ है, तो मर्द मोमिन ने इसके सामने अजान के कलिमात पढ़े। ये सुनकर शाही रूम समझ गया कि इसके दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत समा चुकी है, इस तरह काम नहीं चलेगा। ये सोचकर इसने हुक्म दिया कि एक दीग में पानी खिलाकर इस शख्स को इसमें डाल दिया जाए ताकि कोलते पानी में पड़कर इसका काम तमाम हो जाए या खौफ खाकर अपने दीन से फिर जाए। चुनांचे हुक्म की तामील की गई। जब इस मर्द मोमिन को दीग में डाला गया तो वो बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल हुआ और हुक्म इलाही की बरकत से दूसरी जानिब से बाहर आ गया। ये देखकर लोगों को और भी ताज्जुब हुआ और इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि अंधेरे कोठरी में इसको बंद कर दिया जाए और 40 दिन तक सिवाय खंजीर और शराब की कोई चीज़ इसको कोठरी में न डाली जाए। चुनांचे इसकी तामीर की गई और जब 40 रोज़ के बाद कोठरी खुल गई तो लोगों ने देखा जो कुछ इसमें डाला गया, इसमें से मर्द मोमिन ने कुछ भी नहीं खाया। तो दरियाफ्त किया गया, आखिर तूने इसमें से क्यों नहीं खाया, हालांकि शरीयत मुहम्मदी में इसी ज़रूरत के वक़्त इसका इस्तेमाल जायज़ है। मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि अगर मैं इसमें से कुछ खा लेता तो तुमको खुशी होती, मेरा मकसद तो तुमको गुस्सा दिलाना है। फिर बादशाह इससे कहने लगा कि अच्छा, अगर तुम मुझे सीधा कर ले तो मैं तुझे और तेरे साथियों को छोड़ दूंगा। ये सुनकर मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में खुदा के सिवा किसी को सजदा करना दुरुस्त नहीं है। इसके बाद शाही रूम ने कहा कि अच्छा, फिर तुम मेरा हाथ चूमो कि मैं तुमको और तुम्हारे साथियों को रिहा कर दूँ। मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हाथ का बूसा देना सिर्फ बाप, सुल्तान, आदिल और उस्ताद के लिए जायज़ है, दूसरे के लिए नहीं। फिर शाही रूम ने कहा कि अच्छा, मेरी पेशानी को बूस दो। तो इस पर मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हाँ, ये एक शर्त के साथ मुमकिन है। बादशाह ने कहा, जिस तरह तुमको मंजूर हो। बस मर्द मोमिन ने अपनी आस्तीन इसकी पेशानी पर रखी और इसको चूम लिया इस नियत से कि मैं अपने आस्तीन को बूस दे रहा हूँ। इसके बाद बादशाह ने इस मर्द मोमिन को इसके साथियों के साथ बहुत सारा माल देकर रिहा कर दिया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को ख़त लिखा कि अगर ये शख्स हमारे शहर में हमारे दीन पर होता तो हम इसकी परस्तिश किया करते। चुनांचे जब वो शख्स मर्द मोमिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप रज़ियल्लाहु ताला ने हुक्म दिया कि माल सब का सब अपने हिस्से के लिए मखसूस न कर लो, बल्कि इसमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के लोगों को भी शामिल कर लो। ये सुनकर मर्द मोमिन ने इसकी तामील की और जो अतिया या नजराना इसको मिला था इसमें सब लोगों को शरीक कर लिया। ये है आज की वीडियो आपके लिए दोस्तों, बहुत शुक्रिया।